आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। और आज हम बनाने वाले हैं बटर स्कॉच क्रंच। तो बटर स्कॉच क्रंच बनाने के लिए मैंने हाफ कप शुगर ली है, जिसको मैं मेल्ट कर रही हूँ। शुगर धीरे धीरे कैरमलाइज्ड होना शुरू हो जाएगी जैसे जैसे मेल्ट होगी। तो अभी इसलिए इसको अच्छे से हिलाते रहें। शुगर धीरे धीरे मेल्ट होनी शुरू हो चुकी है। ये जैसे जैसे मेल्ट होती जाएगी, कैरमलाइज्ड होती जाएगी, तो अपना कलर चेंज करती जाएगी। तो हमें इसको ज़्यादा डार्क कलर का नहीं करना है, बस थोड़ा सा और होते ही हम इसमें बटर की एक क्यूब डाल देंगे। गैस का फ्लेम इस स्टेज पे बंद हो जाना चाहिए। अगर जलता रहेगा तो वो जो शुगर है वो जल जाएगी। तो बस ये हमारी तैयार है। अब इसको किसी ग्रीस लगी प्लेट पे या बटर पेपर पे फैला देंगे। स्पैचुला की सहायता से इसको पतला से पतला फैला दें और इसको आधे से एक घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये अपने आप सेट हो जाएगा। पंद्रह से बीस मिनट में ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो आप इसको क्रश कर किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। और इसको अब ये ऑलमोस्ट अच्छे से सेट हो चुकी है। अब इसको निकालेंगे। ये इजीली निकल गई है, हल्का सा नाइफ से मैंने किया और ये बिल्कुल इजीली निकल गई। अब इसको हल्के हाथों से तोड़ लें और इसको थोड़ा थोड़ा क्रश कर लें। और या तो फिर आप इसको ऐसे ही स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। तो आप भी बनाएं मेरी इस रेसिपी को और मुझे ज़रूर बताएं ये आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। किसी कपड़े में रखा या पेपर टॉवल में रख के, बटर पेपर में रख के ऐसे हल्का हल्का क्रश कर लें। ये क्रश हो चुकी है। तो आप भी बनाएं इस बटर स्कॉच को और इसको आइसक्रीम पर, केक पर और कस्टर्ड पर डालकर एंजॉय कर सकते हैं। और मेरी रेसिपी को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जल्दी मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।